नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृति ज्ञान विज्ञान मनोरंजन में। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें। आज के वीडियो में हम बात करेंगे खतरनाक सेक्स विकृतियों के बारे में जो हमारे समाज में फैली हुई हैं। ये विकृतियां समाज में लंबे समय से चली आ रही हैं। ये हैवानियत है जो नासूर बनकर समाज को घर्षित किए हुए हैं। ये विकृतियां दुनिया के प्राय सभी समाजों में पाई जाती हैं। ये बात और है कि आज के अत्याधुनिक समाज में जब तकनीकी परिवर्तनों ने मनोरंजन एवं संचार के क्षेत्र में क्रांति ला दी है, सेक्स विकृतियों का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। आपको बताते चले कि वेश्यावृत्ति दुनिया का सबसे पुराना धंधा माना जाता है। पहली सेक्स विकृति जो खतरनाक सेक्स की श्रेणी में आती है वह है सेक्स करने से पहले अपने पार्टनर को शारीरिक कष्ट देना। इसे मेडिकल भाषा में सेडिज्म कहते हैं। इससे पीड़ित लोग सेक्स करने से पहले अपने पार्टनर को शारीरिक कष्ट पहुंचाते हैं, बेल्ट से पीटते हैं, यहां तक कि हाथ पैरों को बांध कर मुँह पर पट्टी भी लगा देते हैं। सेक्स करने के दौरान पीड़ा से बिलबिलाती औरत को देखने से इन्हें काफ़ी संतुष्टि मिलती है। कई तो औरत को घायल तक कर डालते हैं। ये एक सेक्सुअल मनोवैज्ञानिक रोग है। दूसरी सेक्स विकृति को लोलिता सिंड्रोम नाम दिया जाता है। इस सेक्स वृत्ति के शिकार वो लोग होते हैं जो प्रौढ़ या बुढ़ापे की अवस्था के होते हैं। बुढ़ापे में भी के शिकार लोगों को किशोर लड़कियों की चाहत रहती है और वह उनके साथ सेक्स संबंध बनाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। ये खतरनाक सेक्स विकृति समाज के लिए एक नासूर है। तीसरी सेक्स विकृति जानवरों के साथ सेक्स। जानवरों के साथ सेक्स करने की खबरें समय समय पर आती रहती हैं। खजुराहो में भी ऐसे बीती चित्र मिले हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि प्राचीन काल में भी जानवरों के साथ सेक्स किया जाता था। लेकिन जानवरों के साथ सेक्स करने में संक्रमण और गंभीर यौन रोगों के होने का खतरा रहता है। साथ ही ये पशुओं के प्रति एक क्रूर अपराध भी है जो कि नहीं होना चाहिए। अगली सेक्स विकृति है शव के साथ सेक्स। ये सेक्स विकृति सबसे गंभीर व सबसे खतरनाक है। इस विकृति से पीड़ित व्यक्ति शवों के प्रति गजब का सेक्स आकर्षण महसूस करता है। इससे ग्रसित व्यक्ति पहले लड़की अथवा औरत की हत्या करता है और फिर शव के साथ सेक्स संबंध बनाता है। यहाँ तक कि इस विकृति से ग्रसित व्यक्ति उनके मांस को पकाकर भी खाता है। दोस्तों, ये खतरनाक सेक्स विकृतियाँ हमारे समाज में मानव के अमानवीय और आतताई स्वरूप को उजागर करती हैं जो कि अच्छा नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दी गई है कि समाज में ऐसी भी विकृतियां पाई जाती हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर करें जिससे ये वीडियो सभी के पास पहुंच जाए और सभी इन समाज में फूली हुई विकृतियों को नष्ट करने की कोशिश करें और समाज को सभ्य बनाया जा सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें जिससे आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।